इनकॉन्टेंट, एफिलिएट कॉन्टेंट विद नो एक्सपर्टीज और स्क्रैप्ड कॉन्टेंट, अगर इन चारों चीज़ों के ऊपर आपने फोकस किया और इनको ओवरकम करने की कोशिश की अपनी प्रैक्टिसेस से, तो लो वैल्यू कंटेंट का जो मसला है वो रिजॉल्व हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रजा हैकल, आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। दोस्तों, जो मार्च में गूगल कोर अपडेट आई थी उसमें बहुत सारी चेंजेस आ गई थी और इतनी बड़ी चेंजेस आई थी कि हम में से बहुत सारों के ब्लॉग्स डेड हो चुके थे। लेकिन अब इसमें दो किस्म की कन्फ्यूजन ब्लॉगर्स को मिल रही है या जो एडसेंस का अप्रूवल लेना चाहते हैं उनके लिए कुछ मुश्किल हैं। फ्रीक्वेंटली जो एडसेंस रिजेक्शन की जो रीजन हमारे पास आ रही हैं वो दो चीज़ें हैं, या तो वो लो वैल्यू कॉन्टेंट है या स्पैमी कंटेंट है। अब ये लो वैल्यू कंटेंट को ना हम समझ पा रहे हैं ना ही हम स्पैमी कंटेंट को समझ पा रहे हैं, और अगर इन दोनों को हमने किसी तरह कवर कर लिया तो हम इजीली गूगल के ऊपर अपनी एसईओ को बेहतर अंदाज में परफॉर्म भी कर सकते हैं, और अगर एडसेंस का अप्रूवल लेना चाहते हैं तो आप एडसेंस का अप्रूवल भी इजीली ले सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ यही दो फैक्टर्स कि स्पैमी कंटेंट क्या होता है और लो वैल्यू कंटेंट क्या होता है। ठीक है, अब बहुत सारी कंफ्यूजन इन दोनों चीज़ों के अंदर है और बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे इंस्टाग्राम और वीडियो कमेंट्स में मिल रहे हैं, तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक को दो वीडियोस में कवर करूं। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा लो वैल्यू कंटेंट क्या होता है। अगर आपने इसको प्रॉपरली समझ लिया तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपको स्पैमी कंटेंट क्या होता है इस हवाले से कम्प्लीटली समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले लो वैल्यू कंटेंट के वो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा कि लो वैल्यू कंटेंट के अंदर वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं और उनको मैं एक एक करके समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो के आखिर में ये वीडियो अगर आपको समझ आ चुकी है और हेल्प करने वाली है आपके इस ब्लॉगिंग करियर में तो थम्स अप जरूर दीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। सबसे पहले लो वैल्यू कंटेंट के अंदर जो पॉइंट आता है वो है थिन कंटेंट। अब समझाऊंगा बाद में, बस जब उसको लिस्ट डाउन करूंगा कि वो लो वैल्यू कंटेंट के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं। दूसरा एआई जनरेटेड कंटेंट, एफिलिएट कंटेंट विद नो एक्सपर्टीज, और फोर्थ जो पॉइंट है वो है स्क्रैप्ड कंटेंट। अब ये चार वो चीज़ें हैं कि जो लो वैल्यू कंटेंट में आ जाता है, ये वो चार चीज़ें हैं कि जिनको हम लो वैल्यू कंटेंट में काउंट करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं थिन कंटेंट। थिन कंटेंट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि आप एक प्रोडक्ट के ऊपर लिख रहे हैं लेकिन आपने उसके अंदर जस्ट उसकी डेफिनेशन पेश की और 200-300 वर्ड्स के अंदर उसको आपने कवर कर लिया। उसके अंदर ना आपने कंपैरिजन लिखा है, उसके अंदर ना उसके कोई बेनिफिट्स लिखे हैं, उसके अंदर ना ही आपने उसके कोई यूज़ लिखे हैं, और इसी तरह मतलब उसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस आपने उसकी डेफिनेशन के हद तक और कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, और उसके बाद आपने बस बाय नाउ कर दिया तो ये थिन कॉन्टेंट में शामिल होता है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि प्रॉपरली थिन कंटेंट से आपने निकलना है और उसके अंदर आपने मल्टीपल ब्लॉग्स के ऊपर अपना रिसर्च को स्ट्रॉन्ग करना है। टॉप 10 लैपटॉप्स अंडर $100 अगर आप कोई आर्टिकल लिख रहे हैं तो आप डिफरेंट आर्टिकल्स को एक्सप्लोर करें, देखें कि उन्होंने क्या क्या लिखा है और उनकी इन्फॉर्मेशन को एक मरतबा गैदर कर लें, और उसके बाद अपने तौर पर उस आर्टिकल्स को लिखें और कंपेरिजन पेश करें डिफरेंट लैपटॉप्स के दरमियान में, पहली चीज़। उसके बाद उसके स्पेसिफिकेशंस, और उसके बाद उसका यूसेज, उसके फर्दर हर स्पेक्स को आप उसको अलग से डिफाइन कर लें। ठीक है, उसका हार्डवेयर कैसा है, सॉफ्टवेयर कैसा है, कौन कौन सी स्पेसिफिकेशन इस लैपटॉप के अंदर यूनिकनेस पैदा कर रही है, तो ये सारी चीज़ें जब आप लिखेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी, आपके उस आर्टिकल की जो रैंकिंग चांसेस है वो बढ़ जाएगी। दूसरा पॉइंट है एआई कंटेंट। अब एआई कंटेंट में हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्टली किसी एआई की मदद से हमने यूं उठा लिया, उठाने के बाद हम वो अपने ब्लॉग्स के ऊपर पेस्ट कर लेते हैं, दैट्स इट। अब ये याद रखिएगा, आप आइडिएशंस के ऊपर काम करते हैं एआई टूल्स की मदद से तो वो आपको हेल्प कर सकता है, लेकिन आप प्रॉपरली किसी टॉपिक के ऊपर या किसी सब्जेक्ट के ऊपर कोई कंटेंट लिखने जा रहे हैं तो ये एआई टूल्स आपको कभी भी मुकम्मल तौर पे हेल्प नहीं कर सकते, हो सकता है गलत भी करें। तो एट द एंड ऑफ द डे आपने इवैल्यूएशन करना है, स्क्रीनिंग करनी है कि आया जो एआई टूल से जो कंटेंट लिखवाया है क्या वो आपके उस टॉपिक को कवर कर रहा है या नहीं कर रहा। एक चीज़, इंटेंट आपका पूरा उतर रहा हो। मिसाल के तौर पे मैं व्हाट इज ऑनलाइन अर्निंग और हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, ये दो सवालों के ऊपर अगर मैं कोई टॉपिक या किसी आर्टिकल को लिखना चाहूँगा तो दोनों का इंटेंट चेंज है। ठीक है, व्हाट इज ऑनलाइन अर्निंग और हाउ टू यू नो स्टार्ट ऑनलाइन अर्निंग, दोनों बिल्कुल इंटेंट चेंज है और सवाल भी चेंज है। तो आपने इस इंटेंट के हिसाब से पूरे आर्टिकल
को कवर करना है। अब AI कंटेंट लिखवाने के बाद आपने मजीद भी कुछ कंटेंट को ऐड भी करना है और उसको एक ह्यूमन टच भी देना है, ठीक है। दो पॉइंट कि ह्यूमन टच जब तक ना हो, नेचुरल कंटेंट जब आप तक आप क्राफ्ट नहीं करेंगे तब तक आपका वो कंटेंट है वो AI कंटेंट में शामिल होगा। और अगली जो वीडियो आएगी ये तो होगी स्पैमी कंटेंट के ऊपर, लेकिन मैं आपको एक टूल रेकमेंड करूंगा जिसमें मैंने एक टूल की मदद से AI कंटेंट को 100% ह्यूमन रिटन कंटेंट कैसे बना सकते हैं विद जस्ट वन क्लिक, ये भी आपको मैं बताऊंगा। तो आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, और इससे पहले भी मैंने बहुत सारे टूल्स बताए हैं AI, लेकिन नेक्स्ट वीडियो के बाद जो वीडियो आएगी, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक को कवर करना है स्पैमी कंटेंट को, तो उसके बाद जो वीडियो आएगी वो इसी के ऊपर आएगी कि आप अगर ChatGPT से कोई कंटेंट लिखवा रहे हैं और ChatGPT से वन टाइम के अंदर आप किसी आर्टिकल को कवर नहीं कर सकते, डिफरेंट जगहों से कंटेंट लाकर आप उसको कवर करेंगे, डिफरेंट आप उसको प्रॉम्प्ट देंगे, उसके बाद किसी टॉपिक को कवर करेंगे, कंप्लीट करेंगे, तो ही जाकर आप उसको मुकम्मल करेंगे और पूरे कंटेंट को आप एक ऐसे टूल के ऊपर लेकर जाएंगे कि जिसके ऊपर आपने बस जस्ट पेस्ट करना है और क्लिक करना है। तो ये तकरीबन 12 AI कंटेंट डिटेक्टर्स को बाईपास करके ह्यूमन रिटन कंटेंट बनाएगा, ठीक है, और ये वन क्लिक के ऊपर है, ठीक हो गया, ये मैं आपको बताऊंगा। सो मेक श्योर कि इसके बाद वाली जो वीडियो है वो आपने मिस नहीं करनी। थर्ड जो पॉइंट है वो है एफिलिएट कंटेंट विद नो एक्सपर्टीज। अब गूगल अब ये रेकमेंड करता है कि जो भी ब्लॉग लिख रहा हो अब उसमें कोई एक्सपर्टीज होनी चाहिए एक स्पेसिफिक टॉपिक या स्पेसिफिक नीच के ऊपर। अब इसका मतलब क्या है, आपने देखा है कि बहुत सारे, जैसे कि मैं जॉब्स के ऊपर लिख रहा हूँ, एल्गोरिदम को पता चल रहा है कि मैं जॉब्स के ऊपर लिखता हूँ, और आपका अबाउट सेक्शन क्लियरली इस चीज को बता रहा है कि ये जो ब्लॉग है ये जॉब्स के ऊपर है, ठीक है। लेकिन देखा देखी में मैंने देखा कि यहाँ पर ब्लॉग्स के ऊपर आप लोग टेक्नोलॉजी के ऊपर भी लिख रहे हैं, स्पोर्ट्स के ऊपर भी लिख रहे हैं, न्यूज़ के ऊपर भी लिख रहे हैं, और फैशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, तो ये एक्सपर्टीज में नहीं आती है। अब गूगल इसको लो वैल्यू कॉन्टेंट में कंसिडर करने लगा है, तो आपने एक एक्सपर्टी को, एक निश को आपने चूज़ करना है और उस के ऊपर कंटेंट लिखना शुरू करना है। लास्ट में है स्क्रैप्ड कंटेंट। स्क्रैप्ड कंटेंट का मतलब ये होता है कि तो दो चीज़ों में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, एक तो ऐसा कंटेंट है जो कि इंटरनेट के ऊपर भरा हुआ है, ठीक है, और उसकी अब कोई वर्थ नहीं रही, और दूसरा ये है कि स्क्रैप्ड कंटेंट के अंदर एक ऐसा कंटेंट कि जिसकी ना ग्रामेटिकल ना सेंस बन रहा है, ना उसकी प्रेजेंटेशन सही है, ना ही मतलब उसको कोई वैल्यू नहीं दी जा रही गूगल के ऊपर, ऐसे में गूगल इस चीज़ को स्क्रैप्ड कंटेंट में काउंट करता है। तो आप लोगों ने इन चार चीज़ों के ऊपर अगर फोकस कर लिया, AI कंटेंट, थिन कंटेंट, एफिलिएट कंटेंट विद नो एक्सपर्टीज और स्क्रैप्ड कंटेंट, अगर इन चारों चीज़ों के ऊपर आपने फोकस किया और इनको ओवरकम करने की कोशिश की अपनी प्रैक्टिसेस से, और ये हो सकता है ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है क्योंकि कंटेंट तो अब AI लिखेगा, लेकिन उसको आपने ह्यूमन टच देना है। जब ये ह्यूमन टच देंगे तो ये चारों पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। तो जैसे ही ये चारों पॉइंट्स को आप फॉलो करते हुए अपने ब्लॉग्स के ऊपर अपडेट करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, तो लो वैल्यू कंटेंट का जो मसला है वो रिजॉल्व हो जाएगा और आप बहुत जल्दी आप गूगल के ऊपर अपने ब्लॉग को, अपने आर्टिकल्स को, अपने कीवर्ड्स को रैंक करना शुरू करेंगे। तो आई होप कि इस वीडियो में आपको जो पॉइंट्स मैंने कवर करने की कोशिश की है ये आपको समझ आ चुके होंगे। अब लो वैल्यू कंटेंट के अंदर जो पॉइंट्स हैं उनमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो होपफुली कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है, मुझे कमेंट में ज़रूर पूछिए ताकि मैं वहाँ पर जवाब दे दूँ और बहुत सारे जो पूछने वाले हैं उनके माइंड में जो क्वेश्चन है वो भी रिजॉल्व हो सके, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में स्पैमी कंटेंट को डिस्क्राइब करेंगे और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।